नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी के दौरान या फिर आप ये मान सकते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए महिलाओं को कितना घी खाना चाहिए, कैसे घी खाना चाहिए, क्या सच में घी खाने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, इसके अलावा किन महिलाओं को घी नहीं खाना चाहिए, किन को खाना चाहिए। तो मतलब घी से संबंधित सारी बातें करने की कोशिश करेंगे और आई थिंक कि आपको ये वीडियो पसंद भी आएगा। बाकी दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ वीडियो पूरा देखिए, उसके बाद ही अपना कमेंट करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आप लोगों को वीडियो में बता देती हूँ, फिर आप वही कमेंट करते हो तो उसका रिप्लाई देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए वीडियो पूरा देखा करें, समझने की कोशिश करें। आप वीडियो पूरा देखोगे तो हमारी ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं प्रेगनेंसी के दौरान घी के सेवन के बारे में। सो फ्रेंड्स, ऐसा है कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि पूरी प्रेगनेंसी के दौरान घी नहीं खाना चाहिए और केवल नॉर्मल डिलीवरी के लिए या प्रेगनेंसी के 9वें महीने में घी खा सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान घी खाना बिल्कुल सुरक्षित है और आप प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से ही घी खा सकती हैं। और यदि आपको ऐसा लगता है कि प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में यदि हम दूध में घी डाल के पी लेंगे तो ऐसा गलत हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। आप प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में भी घी खा सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आप गर्म दूध में ही घी डाल के लीजिए, घी खाने के बहुत सारे तरीके होते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि घी खाने से आपको और आपके बच्चे को बहुत सारे फ़ायदे मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं वो सारी बातें मैं बताऊँगी। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान स्टार्टिंग से ही घी खा सकती हैं और नॉर्मल डिलीवरी के लिए कब से खाना है वो भी बताऊँगी, कैसे खाना है वो भी बताऊँगी। तो बात करते हैं सबसे पहले घी खाने के फ़ायदे के बारे में कि यदि आप प्रेगनेंसी के दौरान घी खा रही हैं तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है। और मैं ये स्टार्टिंग से ही बात कर रही हूँ, यदि आपकी प्रेगनेंसी का पहला महीना है ना, मैं तब से ही बात कर रही हूँ। यदि आप प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही घी खाते हैं और 9वें महीने तक खाते हैं या फिर आपकी प्रेगनेंसी का कोई सा भी महीना है यदि आप घी खाती हैं तो इससे आपको क्या क्या फ़ायदा मिल सकता है, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा मिलता है आपके पाचन के लिए, क्योंकि दोस्तों घी में एंटीवायरल गुण होता है जो कि आपको पाचन से संबंधित समस्याएं नहीं होने देती, तो इस वजह से आप घी खा सकते हैं। इसके अलावा घी में फैटी एसिड होता है जो कि आपके पाचन को अच्छा रखता है। दूसरा फ़ायदा होता है आपके बच्चे के विकास के लिए, यानी यदि आप घी का सेवन करती हैं तो इससे आपके बच्चे के विकास में बहुत ज़्यादा सहायता मिलती है और आपके बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है। इसके अलावा दोस्तों, प्रेगनेंसी की दूसरी और तीसरी तिमाही में आपको 300 कैलोरी ज़्यादा लेनी होती है, क्योंकि इस समय आपका बच्चा भी खाने लग जाता है और इस समय आपके बच्चे का शरीर अच्छे से बनने लग जाता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप ऐसी चीज़ें खाइए जिसमें कि कैलोरी भी हो और जो कि फ़ायदेमंद भी हो। तो आपके कैलोरी को बढ़ाने के लिए घी बहुत ही अच्छा है और इस समय यदि आप घी खाती हैं तो इससे आपके बच्चे का विकास बहुत अच्छे से होता है, साथ ही साथ आपके शरीर को भी बहुत ज़्यादा मजबूती मिलती है और आपका बेबी का शरीर भी स्ट्रांग बनता है। दोस्तों, इसके अलावा घी आपको बहुत सारे पोषक तत्व देता है, क्योंकि घी में ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जिससे कि आपका माइंड खुशनुमा होता है, यानी कि आप अच्छा महसूस करती हैं, आपका तनाव कम होता है, यानी कि तनाव कम करने वाले गुण होते हैं घी में। तो यदि आपको तनाव बहुत ज़्यादा होता है, नहीं भी होता है, तो यदि आप घी खाएंगी तो इससे आपका माइंड अच्छा रहेगा और आपको तनाव कम होगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि घर का घी होना चाहिए, शुद्ध देसी घी, बाहर का मिलावट वाला घी की गारंटी मैं नहीं ले सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, घी से बहुत सारे फायदे मिलते हैं आपके लिए, आपके बच्चे के लिए, ठीक है। तो आप घी ज़रूर खा सकते हैं। इसके अलावा घी के नुकसान की बात करें तो बहुत ज़्यादा घी खाइएगा तो नुकसान करेगा। तो मेन बात आती है कि आप कितना घी खा सकते हो। आपकी प्रेगनेंसी का कोई सा महीना हो, आप आराम से 2 से 3 चम्मच घी खा सकती हैं, छोटे चम्मच से। थोड़ा बड़ा चम्मच है तो 1 चम्मच खा सकती हैं। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं को रोज़ाना 50 ग्राम फैट लेने की सलाह दी जाती है, तो उस हिसाब से आप 2 से 3 चम्मच घी ले सकती हैं, क्योंकि यदि आप इससे ज़्यादा घी खाएंगी तो फिर आपको पेट से संबंधित प्रॉब्लम होगी और आपको उल्टी वगैरह भी आ सकती है। और प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में वैसे ही बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग आती है, उल्टी आती है, जी घबराता है, तो स्टार्टिंग में आप थोड़ा कम ही घी खाइए, ज़्यादा खाइएगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, बाद में भी हो सकती है लेकिन स्टार्टिंग में ज़्यादा हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको पता चल गया कि आप रोज़ाना कितना घी का सेवन कर सकती हैं। अब आप घी कैसे ले सकते हो, देखिए अगर आप वैसे घी फायदे के लिए खाना चाहती हैं तो आप दाल में, रोटी में, सब्जी में डाल के ले सकती हैं, आप हलवा बना रही हैं उसमें घी डाल के ले सकती हैं, जैसे भी आपकी इच्छा हुआ वैसे घी ले सकती हो। अब बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए घी के सेवन के बारे में। तो नॉर्मली बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना होता है यदि आप प्रेगनेंसी के 8वें महीने में, 9वें महीने में गर्म दूध के साथ या फिर गुनगुने दूध के साथ, जैसा दूध आपको पसंद है उसके साथ यदि आप घी का सेवन करती हैं तो इससे क्या होता है कि आपके नॉर्मल डिलीवरी में बहुत हेल्प होती है। क्यों होती है? क्योंकि इससे आपके योनि का जो भाग होता है जहाँ से बेबी डिलीवर होता है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिकनाहट आ जाती है और इससे बेबी बहुत ही आसानी से बाहर आ जाता है, मतलब कि फिसल के बाहर आ जाता है और आपको और बेबी को डिलीवरी के दौरान ज़्यादा परेशानी नहीं होती है।
दोस्तों देखिए, मैं आपको बताऊं तो इस चीज़ का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। यदि आप केवल नॉर्मल डिलीवरी के लिए घी का सेवन करना चाहती हैं तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा कि आप केवल घी खा के नॉर्मल डिलीवरी कर लोगे। हाँ, थोड़ी बहुत आपकी हेल्प हो सकती है, जैसे और चीज़ें आपकी हेल्प करती हैं नॉर्मल डिलीवरी में, टहलना, एक्सरसाइज करना, अच्छा खान पान रखना, अच्छा सोचना, तनाव ना लेना, ये सभी जो हैं आपके नॉर्मल डिलीवरी में हेल्प करते हैं, क्योंकि आपके शरीर में ताकत होगा तभी तो आप नॉर्मल डिलीवरी कर पाओगे। मान लीजिए कि आप ढंग से फल नहीं खा रहे हैं, ढंग से सब्जियां नहीं खा रहे हैं, ढंग से अनाज नहीं खा रहे हो, अंडा नहीं खा रहे हो, आप ड्राई फ्रूट्स वगैरह नहीं खा रहे हो, और आपको लगता है मैं केवल दूध पी के उसमें घी डाल के अपनी नॉर्मल डिलीवरी कर लूँगी, तो ऐसा संभव नहीं हो पाएगा। आप नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपको टाइम पे एक्सरसाइज करना होगा, टाइम पे आपको टहलना होगा, आपको तनाव नहीं लेना होगा, आपको अच्छा खान पान रखना होगा। जैसा एक गर्भवती महिला का डाइट होना चाहिए, आपको अपना डाइट वैसा ही रखना होगा। इसके अलावा आपके सोने जगने का टाइम ठीक होना चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल फ्रेश होना चाहिए, मतलब कि तनाव लेना, रोना धोना, या फिर हमेशा लड़ाई झगड़ा करना, गुस्से में रहना, ये सभी चीज़ें आपकी नॉर्मल डिलीवरी पे इफेक्ट डालती है, और सबसे ज़्यादा इफेक्ट डालती है आपके बच्चे के स्वास्थ्य पे। तो ये सभी चीज़ें ना करें, ठीक है। नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं, अपने बच्चे की हेल्थ अच्छा बनाना चाहते हैं तो ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मायने रखती हैं आपकी नॉर्मल डिलीवरी के लिए। और घी और दूध मायने रखता है या नहीं रखता है, तो बिल्कुल रखता है, क्योंकि इन सभी में बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। दूध में भी बहुत पोषक तत्व होते हैं और इसके अलावा घी में भी बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं। दोनों ही आपको और आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं, और जब आप स्ट्रांग रहेंगे, आपका बेबी स्ट्रांग बनेगा, तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो आप अच्छे स्वास्थ्य के लिए घी का सेवन कर सकती हैं, और नॉर्मल डिलीवरी में बिल्कुल आपकी मदद करेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ को अच्छा रखेगा, आपके बेबी की हेल्थ को अच्छा रखेगा। तो आप दूध में घी डाल के बिल्कुल ले सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बहुत सही है। लेकिन दोस्तों मेन बात यह है कि घी में काफ़ी ज़्यादा फैट होता है, और यदि आप दूध में घी डाल के पीती हैं तो इससे क्या होता है कि आपका वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं जो कि आपका वज़न बढ़ाते हैं, आपका भी, आपके बच्चे का भी। मान लीजिए कि आपका ऑलरेडी वज़न बहुत ज़्यादा है, आपके बच्चे का वज़न बहुत ज़्यादा है, आपका बच्चा 3.5 किलो का, 4 किलो का हो चुका है, और उसके बावजूद आप दूध में घी डाल के पी रही हैं, तो क्या होगा, आपका बच्चा और वज़न का हो जाएगा, तो फिर नॉर्मल डिलीवरी में दिक्कत आएगी। या फिर मान लीजिए कि आपका वज़न ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, 70 किलो है, 75 किलो है, ठीक है, और आप दूध में घी डाल के पियेंगी, तो इससे क्या होगा कि आपका वज़न 5 किलो 10 किलो और बढ़ जाएगा, तो इस वजह से आपको नॉर्मल डिलीवरी में बहुत दिक्कत आएगी। तो आपका वज़न भी नॉर्मल है, आपके बीबी का वज़न नॉर्मल है, तो आप दूध में घी डाल के ले सकती हैं, या फिर आपका वज़न कम है, आपके बच्चे का वज़न कम है, तो आप दूध में घी डाल के ले सकती हैं, क्योंकि इससे आपके बेबी को और आपको बहुत ज़्यादा शक्ति मिलेगी, आप दोनों स्ट्रांग बनोगे। लेकिन अगर आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप दूध में घी डाल के ना लें, और यदि आप घी खाना भी चाहती हैं तो बहुत थोड़ी मात्रा में, आधा चम्मच से भी कम जो है अपने दाल में या फिर सब्जी में डाल के खाइए। और सबसे अच्छा यही होगा कि आप डॉक्टर से इस बारे में बात करें, यदि आपका वज़न बहुत ज़्यादा है तो कम भी है तब भी बात कर सकती हैं, बात करने में कोई बुराई नहीं है, ताकि आपको और तसल्ली मिल जाए कि हाँ मुझे लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं उन महिलाओं के लिए जिनका कि वज़न कम है या फिर नॉर्मल है, तो वो कितनी मात्रा में घी ले सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि वो आप पे डिपेंड करता है कि आपको कितना पसंद आ रहा है। अगर आपने इस गिलास से 1 गिलास दूध लिया है तो इसमें 1 चम्मच घी पर्याप्त है, इससे ज़्यादा लोगे तो फिर आपको उल्टी आएगी। बहुत सारी महिलाएँ ऐसी हैं कि जो 3-3 चम्मच 4-4 चम्मच घी डाल लेती हैं, आराम से पी लेती हैं, उन्हें कुछ नहीं होता। कुछ महिलाएँ ऐसी होती हैं कि आधा चम्मच घी डालती हैं, पीती हैं, उन्हें उल्टी हो जाती है। तो कुल मिला के मेरा मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा घी डाल के देखिए, आधा चम्मच, और उसको पीजिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे स्वाद लग रहा है, मज़ा आ रहा है पीने में, मैं पी सकती हूँ, तो आप उसे पी लीजिए। और कोशिश करें कि आधा चम्मच के बाद 1 चम्मच घी डाल के आप रोज़ाना पीजिए, उससे ज़्यादा मत डालिए, नहीं फिर आपको दिक्कत होगी। 1 चम्मच आप छोटी चम्मच से घी डाल के पी सकते हैं, फ़ायदा भी मिलेगा और नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प होगी। लेकिन इससे जो है आपका गर्भाशय चिकना हो जाएगा, आपके योनि का भाग चिकना हो जाएगा, वो नहीं होगा, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में आपकी हेल्प करेगा। तो आप इतना पी सकती हैं, और मैं आपको यही सलाह दूंगी कि यदि आपका वज़न नॉर्मल है, कम है, तो ही आप दूध में घी डाल के पीजिए, और वो भी कम डाल के पीजिए, ज़्यादा ना डाल के पीजिए, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। और वज़न बहुत ज़्यादा है तो फिर आप दूध में घी डाल के ना पिए तो आपके लिए ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। और मान लीजिए यदि आपका सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर आपकी नॉर्मल डिलीवरी वैसे भी हो जाएगी, आप घी वाला दूध पिए ना पिए कोई दिक्कत नहीं है।
और मान लीजिए कि आपके साथ ऑलरेडी बहुत सारी परेशानी है, कोई कॉम्प्लिकेशन है, जुड़वा बच्चे हैं, आपके प्लेसेंटा की कोई प्रॉब्लम है, आपको बीपी की प्रॉब्लम है, आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, आपके बच्चे ने गले में गर्भनाल फंसा लिया है, का बच्चा ब्रिज पोजिशन में है, उल्टा है या फिर तिरछा है या फिर और भी कोई प्रॉब्लम है, तो ऐसे कंडीशन में डॉक्टर आपको पहले ही मना कर देंगे कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। और जब आपको डॉक्टर ने मना कर दिया तो आप कितना भी दूध में घी डाल के पी लो, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। अब मेन बात आती है कब से कर सकते हो, तो आप प्रेगनेंसी के 8वें महीने से कर सकते हैं या फिर 9वें महीने से भी कर सकते हैं, जब से आपको अच्छा लगे तब से कीजिए। बाकी यदि आपका और भी कोई सवाल है तो कमेंट कर दीजिएगा, और मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।